हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुआ। मेरा वीडियोस आना भी कम हो गया है, तो जो भी है, तो ऐसा आज जो टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग के ऊपर। कैसे हम लोग रिसाइकलिंग करेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट्स कम करेंगे। जैसे दूसरा वीडियोस में भी आपको मिलेगा मेरे चैनल में, तो देखिए ये है एक आयोडाइज सॉल्ट का कंटेनर, बहुत सुंदर दिखने को है। तो जब मैं पहली बार इसको देखी थी, मुझे भी बहुत सुंदर लगा था। तो देखिए ठीक से, ये ऊपर से हम लोग खोल लेते हैं इसको, इसको काट के हम लोग खोल लेते हैं। नीचे भी एक वाइट कवर है और ये अच्छा सा कवर है। हम लोग इसको ऐसे डाल देते हैं नमक, और फिर इसको जब ख़त्म हो जाता है हम लोग डस्टबिन में थ्रू कर देते हैं। तो एक दिन मुझे लगा मुझे देखना चाहिए इतना सुंदर कंटेनर, ये हार्ड भी है, किसे बना होता है। तो जैसे मैं ठीक से गौर से देखने लगी, तो मुझे देखने को मिला दिस इज़ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। एंड आपको बिलीव होगा कि नहीं पता नहीं, ये देखिए ये क्या है, ये है पीच बूट। ठीक है, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस थिंग्स कि कैसे हम लोग एक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और ये सुपरमार्केट में मिलता है ऐसा प्रोडक्ट, जैसे इंडिया में बिग बाज़ार हुआ, रिलायंस हुआ, वैसा टाइप ऑफ मार्केट्स में मिलता है। और इंडिया के बाहर या वेस्ट बंगाल के बाहर भी दूसरा सुपर मार्केट्स में भी मिलता है। तो मैं अच्छे से आपको खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे है ये पीच बूट। सो दिस इज़ द ओरिजिनल प्रोडक्ट, दिस इज़ द वाइट कैप ओवर देयर, दिस इज़ द आउटर शेल एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल रैप और ब्यूटीफुल रैपर। सो फ्रेंड्स, यू कैन मेक योर ओन रिसाइकल प्रोडक्ट्स एट योर होम without throwing away this thing. And also this container can be used afterwards. So in my next video I will be showing you how I'm utilizing this container again for a different purpose. Thank you.